वहीं अलवर जिले से खबर है जहां उपचुनाव में रामगढ़ अलवर सीट से प्रत्याशी सुखवंत सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत सचबे दड़की हुई है और सुखवंत सिंह ने कहा है कि सभी को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। टिकट मिलने पर सुखवंत सिंह ने अपना शीर्ष नेतृत्व से आभार व्यक्त किया है। वहीं पीएम मोदी और अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का भी उन्होंने आभार जताया है। प्रत्याशी सुखवंत सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने, सुनिए। इसमें भी 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। कई सारे अलग अलग कारण रहे, कई जगह जो विधायक थे वो सांसद बन गए और 2 जगह ऐसी हैं सलुम्बर और रामगढ़ जहां पर मौजूदा विधायकों के निधन के बाद चुनाव हो रहे हैं। ऐसी एक सीट है रामगढ़ विधानसभा और उस रामगढ़ विधानसभा सीट पर जुबेर खान के निधन के बाद चुनाव हो रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी है उसे घोषित कर दिया है और 2023 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रत्याशी का टिकट काट दिया गया था उस प्रत्याशी को एक बार पुनः से प्रत्याशी बनाया गया है। वो प्रत्याशी अब मेरे साथ हैं, उनका नाम और तारुख मैं आपसे करा दूं। उनका नाम है सुखवंत सिंह। 2010 से लेके 2015 तक लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के प्रधान रहे और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट भी दिया, ज्ञानदेव आहूजा का टिकट काटकर उनको टिकट दिया। महज कुछ वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए थे कांग्रेस की सफिया खान से, लेकिन 2023 की जब बारी आती है उस समय उनका टिकट पुनः काट दिया जाता है। क्या कारण रहे वो पार्टी की अपनी अंदरूनी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जब जुबेर खान का निधन हुआ तो उसके बाद अब चुनाव हो रहा है तो सुखवंत सिंह को पुनः प्रत्याशी बना दिया गया है, क्योंकि पिछले जो अभी कुछ महीने पहले 9 महीने पहले जो चुनाव हुए थे उनमें दूसरे नंबर पर आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़कर वो दूसरे नंबर पर रहे थे और जुबेर खान को कड़ी टक्कर दी थी। वो अब सबसे पहले सच बेधड़क के साथ हैं। सर आपका बहुत बहुत आपको बहुत बहुत बधाई, आप पुनः भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने और आपको अब पार्टी ने टिकट दिया है, कैसा आपको लग रहा है? मैं सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक बार मुझ पर विश्वास किया है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, पार्टी अध्यक्ष को, भूपेंद्र यादव जी हमारे बड़े नेता हैं, संजय शर्मा जी, जवाहर बेडम जी, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष, हमारे मंडल के सभी पदाधिकारी, इन सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन सबके आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम रामगढ़ को जरूर जीतेंगे आप सब लोगों के सहयोग से। अभी 9 महीने पहले जब आपका टिकट कटा था, क्योंकि आप 2017 में जब आपको टिकट मिला था उस समय बहुत कम नजदीकी अंतर से आप चुनाव हार गए थे, उसके कारण रहे लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई जो असपा के उस समय प्रत्याशी थे। ये 10 साल का समय कैसे गुजरा? देखिए परिस्थितियां कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे लेके आती हैं। मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, छोटा सा एक सिपाही हूँ, आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, उनके सिद्धांतों के साथ हूँ और मैं तो सिर्फ काम करना जानता हूँ। पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया मैं उसको अच्छे से निभाऊंगा। पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है और मैं आपके माध्यम से जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हम इस सीट को अच्छे मार्जिन से, अच्छे अंतर से जीतेंगे, क्योंकि मैं कार्यकर्ताओं की आंखों में एक भाव देख रहा हूँ, वो किसी बिना किसी स्वार्थ के जुड़े हुए हैं। कोई उनको पॉलिटिकल किसी को लालच नहीं, कोई किसी के साथ जैसे कोई एक निस्वार्थ भाव से जुड़ता है, तो वो भाव मैं उनकी आंखों में देख रहा हूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस जंग को जरूर जीतेंगे। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि रामगढ़ जो सीट है वो हिंदू मुस्लिम के लिए बहुत ज्यादा बदनाम रही है, या तो हम यूं कहें या क्राइम के लिए बहुत एक तरीके से बदनाम है प्रदेश की राजनीति में या देश की राजनीति में। इस रामगढ़ के ऊपर जो ठप्पा ये बदनामी का लगा हुआ है, क्या आप इससे मिटाने की कोशिश करेंगे? देखिए लॉ एंड ऑर्डर सबको चाहिए, उसमें चाहे किसी भी कोई जाति का हो, जो गलत करेगा उसको सजा जरूर मिलेगी। जो यहाँ तरह तरह के, चाहे वो किसी तरह के क्राइम हो रहे हैं, आप उसको साइबर क्राइम कहें या कोई और सिंथेटिक दूध हैं और कई तरह के जो क्राइम है, इन पे बिल्कुल रोक लगेगी। और मैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ उसको समय पर छोड़ दें, क्योंकि ये चीजें बर्दाश्त नहीं है। क्षेत्र का भाईचारा बना रहे, ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले, उसमें अगर कोई खलल डालेगा या कोई इस तरह के काम करेगा तो उसके लिए हम पूरा
पार्टी का हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य सरकार में भी, हम प्रशासन के सहयोग से उसको दूर करेंगे। चलिए सर, पुनः आपको एक बार बधाई। तो ये थे मेरे साथ सुखवंत सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी ने रामगढ़ से जिनको प्रत्याशी बनाया है, और अब 7 जगह जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें से उपचुनाव रामगढ़ विधानसभा में भी हो रहा है और वहां पर सुखवंत सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। साफ तौर से इनका ये कहना है कि हम कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे और क्षेत्र में आपसी भाईचारा सद्भाव बनाने का पूरा प्रयास इनका रहेगा और पार्टी ने जो जिम्मेदारी इनको दी है वो उस जिम्मेदारी पर खरा उतरेंगे। कैमरामैन मुकेश शर्मा के साथ देव खटाना, सच बेधड़क, गोविंदगढ़।